हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। अब मैं इधर बनाऊंगी दलिया और ये मेरी बन रही है चाय यहाँ पे। और आज लाइट चली गई है तो कौशिक जी की जो बादाम पीसने वाला था, पीसते हैं जो बादाम अपना दूध में, वो आज रह गया है। तो आज मैंने कौशिक जी के लिए बना दी है चाय। इसमें पता नहीं कब आएगी, वो महीने में एक बार जाती है मेंटेनेंस के लिए लाइट। और देखिए मैं चाय छान रही हूँ, ये मैंने चाय छान ली है। आज कौशिक जी पियेंगे चाय मेरे साथ। लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना, कब कब आए कब जाए। देखिए मैं डाल लेती हूँ चाय, नहीं गिलास ले लेती हूँ, गिलास दे देते हैं। चलिए आज ये चाय पीते हैं। कौशिक जी पियेंगे गिलास में, मैं पीऊंगी कप में। चलिए आप लोगों को कप में पिलाऊंगी आप लोगों को। मैंने चाय डाल दी है, पहले आप सब लोग चाय पी लीजिए। ये मैं भी पी लूंगी चाय। और कौशिक जी के लिए आज मैंने बनाई है चाय, क्यों लाइट चली गई है बादाम पीसने के लिए। और इन्वर्टर से हमने मिक्सी फ्रिज ये चीज नहीं लगवाई हुई है क्योंकि काफी लोड लेती है ना। और कौशिक जी की चाय मैंने डाल दी। कौशिक जी चाय, मैंने कौशिक जी चाय डाल दिया गिलास में। आज गर्म रहेगी चाय, आज गले में दर्द है मुझे पता नहीं क्यों। कल कौशिक जी गोली लाए थे विटामिन डी की, आजकल ना ये विटामिन से जो है जो भी सब दवाइयों में आ रहे हैं। विटामिन सी वाली भी हम खा रहे थे क्या, खा ही रहे हैं अभी भी हम खा रहे हैं डेली एक गोली। और कल कौशिक जी लाए हैं विटामिन डी की गोली, कह रहे कि ये अभी जो बीमारी चल रही है उसमें काफी फायदेमंद है, लोग खा रहे हैं। तो ये इन्होंने मंगा लिया था, काफी कॉस्टली है वैसे, 70 रूपये की 4 गोली है। वो 7 दिन में एक गोली लेनी है। तो कल मैंने और कौशिक जी ने शुरू करी थी। तो कौशिक जी मेरे से कह रहे थे ये ना इसका ना खाने में स्वाद ऐसा है जैसे डाइजिन खा रहे हैं। तो मैंने भी वो डाइजिन की तरह लेके मैंने मुंह में डाल लिया है और मैं उसे खा रही हूँ। तो मुझे ना ऐसा लगा अजीब सा कि जैसे ना मेरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। मैंने कितनी बार कौशिक जी से कहा था मेरा मुंह में अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सा लग रहा, मुझे पता नहीं मैंने क्या खा लिया। वैसे मतलब कड़वी नहीं थी, अच्छा था वैसे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा उसका टेस्ट। कौशिक कह भी रहे थे कि जब कुल्ला करके आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने ना वो दूध पी लिया था 1 घंटे बाद, उस हल्दी वाला। तो अब मेरे ना गले में इस साइड में काफी दर्द है, सुबह से उठी हूँ तो काफी दर्द है मेरे को यहाँ पे। और दवाई भी जरूरी है। और अभी हमारा तो प्रोग्राम ऐसा ही हो रहा है, डगमगा सा रहा है। कौशिक जी की तो हाँ है, मेरी ना है। कौशिक जी की हाँ है जाने में दिल्ली, मेरी ना है। और दीपा की भी ना है, और मेरे बच्चों की मतलब ना है, अंकुर की, दीपा की, शिवा की, सबकी ना है। कह रहे कि नहीं जाना क्योंकि जो बीमारी है वो दूसरा रूप है बेकार में अभी। और बाकी टाइमपुर जहाँ पे है वो काफी फैल गया, वहां भी काफी पेशेंट आ गए हैं, काफी जगह मतलब आ गया है। तो फिर ये बस थोड़ा सा अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किल हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी तक इतना बचाव करके रखे हैं, नहीं गए हैं। एक साल हो गया मतलब बचाव करते करते, गए तो हमें 2 साल हो गया है। तो क्यों इस चीज को हम लाए यार, मैं तो वैसे भी बीमार रहती हूँ, इसलिए बताऊ मैं बीमार रहती हूँ। एक तो बीमारी नहीं छोड़ रही है कोई भी ना, कभी कुछ चलती रहती है शरीर में ना, तो उससे ही मैं दुखी हूँ। और ये बीमारी आ गई तो मैं इतना झेल पाऊंगी इस बीमारी को, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अभी जब ट्रांसफर आएगा जब जाते हैं, ट्रांसफर तो आना ही है ना, जब तो जाना हमारी मजबूरी है तब तो हमें जाना, हमें जाएंगे ही हम, तो जब चले जाएंगे। और टाइम के ऊपर छोड़ दिया, जैसे भी होता है, टाइम बताएगा हमारा। कोशिश हो रहा है कि मुझे जाना है। और मैंने आपको बताया हमारे घर में शादी है, और आपको पता है ना शादी में कितनी भीड़ होती है, लोगों ने बिल्कुल वो खत्म कर रखा है, मास्क पहना, डिस्टेंस रखना, सब कुछ खत्म कर रखा है। तो मुझे तो अपना डर लगता है, इतनी भीड़ के बीच में जाएंगे और कोई हम मास्क बांध लेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे देखो देखो इसी के लिए बीमारी आ रही है, मास्क बांध रखा है। कोई कहेगा इसी के लिए बीमारी आ रही है, और फिर मजाक बनाएंगे जैसे पहले कौशिक जी का मजाक बनाते थे। जब कौशिक जी बांध के जाते थे तो हंसते थे लोग, जब धीरे धीरे देखा है कि बीमारी बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लिया है तो फिर बांधना शुरू कर दिया। अरे हंसो क्यों भैया, भाई हम तो बांधेंगे, अब शादी में भी हम इस तरह से करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। भाई हम तो अपनी एहतियात बरतेंगे, हमने तो सोच लिया गए भी तो चाहे हम भद्दे लगे कैसे भी लगे,
कहते हैं ना सर्दियों में जब शादी होती है तभी जब मेकअप करके लेडीज जाती है उन्हें ठंड नहीं लगती, उस टाइम पे वो स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहनती है, वो बात अलग हो जाएगी, जुकाम खांसी हो जाएगी, ठंड होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस तरह से मास्क ना पहनेंगे हम, किसी ने मेरे से पूछा मेरे सब्सक्राइबर ने कि आंटी गुड़हल का फूल किस कलर का होता है। बेटा गुड़हल का फूल कई तरह का होता है, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है, जैसे गुलाब के फूल आते हैं ना तरह तरह के, ऐसे गुड़हल के फूल होते हैं तरह तरह के कलर के हिसाब से। मेरे जो यहाँ लगा हुआ है गुड़हल का वो रेड वाला है, रेड कलर का है, तीन लगा रखे मैंने अपने घर में, रेड गुड़हल का फूल लगाया हुआ है। तो माता बहुत खुश होती है उस गुड़हल के फूल से, रेड है ना, मतलब गुड़हल के फूल से कोई भी हो मैया रानी खुश होती है, माँ के ऊपर चढ़ा हो तो नवरात्रे में। लेकिन जब सर्दियों का नवरात्रे होते हैं, जब एक टाइम ऐसा आता है कौन से नवरात्रे में गुड़हल का फूल बहुत कम हो जाता है, एक आध दिखाई देगा, तो वो ही मैं चढ़ा देती हूँ। और जो इतना मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ है, अभी तो पता नहीं क्या हाल है, मुझे नहीं पता अपने गुड़हल के पेड़ का, इतना फूल लगता है पूरा लाल हो जाएगा पूरा पेड़ ऐसा, इतना सुंदर लगता है वो। और फिर जब वो झड़ते हैं ना फूल, जब झड़ने के बाद में वेस्ट नहीं होता वो फूल, मैं उसे उठा के ले आती हूँ सारे को, या सुखा के उसका पाउडर बना लूंगी, या तेल में उसे पीस के उसका तेल बना दूंगी गुड़हल का। अगर गुड़हल के नाम आपको भाई कई बार नहीं मिलता, थोड़ा बहुत फूल मिलता है, तो गुड़हल के पत्ते से भी आप काम चला सकते हो, मतलब इतने फायदेमंद है, मत मैया रानी तो देगी फल अच्छा, और ये बालों के लिए बहुत अच्छा है गुड़हल के फूल का। और आपको किसी ने मुझसे बोला आंटी तेल बना के दिखाओ, मैं घर जाऊंगी जरूर तेल बना के दिखाऊंगी आपको। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, नाम अभी मेरे को मैं बताऊंगी नाम, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा, आपको आपके हस्बैंड के लिए हमारी मेरी और कौशिक जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिंदगी की हर खुशी आपको मिले जो आप चाहते हो, गॉड ब्लेस यू बेटा। आज मेरी एक सब्सक्राइबर है कुकिंग विद चारू अश्वनी, आज उनका जन्मदिन है, तो बोल बेटा हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको जो आप चाहे, आपकी सब मनोकामना जो आप चाहते हो वो आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे, ठीक है बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो बाबा जी महाराज, जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोषों को मुझसे मेरे परिवार से दूर रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, वैकुंठ पर देव देवताओं की जय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, बढ़िया हो ना, ठीक रहना। और मैं आ गई आप थोड़ी देर बात करने के लिए, क्योंकि मुझे यह बहुत दिन लंबे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है दिन, तो काम करते रहो फिर भी खूब सारा काम है, ये नहीं काम नहीं है, काम भी पूरा है, लेकिन फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा है, बहुत लंबा दिन लग रहा है मुझे, रात मुझे छोटी लगती है और दिन मेरे को काफी लंबा लग रहा है, बस ऐसी चल रही है, चलती जा रही है। और अभी तक प्रोग्राम चल रहा था, सोच रहे थे जाएंगे घर जाएंगे, सोचा था जाने के लिए, जाना तो है, अभी भी ऐसा कोई कैंसिल नहीं हुआ है प्रोग्राम, लेकिन फिर भी जो बीमारी ने दोबारा तीसरा बार जो आई है, लहर आई है ये कोरोना वाली, उसकी वजह से फिर डर लग रहा है जाने से, क्योंकि आपको पता है मैं तो बीमार रहती हूँ, और अब तो बहुत कई जगह लॉकडाउन भी हो गया है, आप लोग भी एहतियात बरतिए, मास्क बांधिए, गोली लेके आए हैं विटामिन डी की खाने के लिए, जो कहते हैं ना विटामिन डी, तो वैसे धूप में भी ले सकते हैं हम लोग बाहर जाके, लेकिन मेरे यहाँ पे जाने के लिए मैं ऊपर जाना पड़ेगा, मैं जाती नहीं हूँ अकेली विटामिन डी लेने के लिए स्पेशल, तो कौशिक जी दवाई लेके आ गई है विटामिन डी की ही, सप्ते में एक गोली लेनी है, विटामिन सी है जो वो भी एक टेबलेट हम ले रहे हैं, जैसा मतलब जितना भी हो सकता है लेना, अब थोड़ा सा वो काढ़ा का कम कर दिया था, अब दोबारा काढ़ा शुरू कर देंगे, कर दिया था, कम करा था, ज्यादा नहीं करा था कम, लेकिन कर दिया था कि फुंसियां होने लगी थी, और यहाँ गर्मी है तो यहाँ ज्यादा फुंसी हो रही है, तमिलनाडु का तो आया नहीं है लेकिन कई जगहों का आ गया है, कि दिल्ली पहुंचोगे तो आपको अपना वो नेगेटिव उसका दिखाना पड़ेगा, कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो अभी यहाँ का तो है नहीं, केरल का, दिल्ली केरल है और एमपी और महाराष्ट्र कई जगहों का दिखाया है, लेकिन मैं तो यही कह रही यहाँ का हो गया तो फिर दिक्कत है हम लोगों के लिए जाने में, टेस्ट करवा लो एक बार, ना भी होगा ना तो हो जाएगा हमें, तो इसीलिए मैं इस चीज से दूर रहना चाहती हूँ, बस अब तो ऊपर वाले का सहारा, जैसे भगवान चाहेंगे वैसा होगा, बाकी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दीपा मेरी वहां बैठी डर रही है, कह रही मम्मी मत आना, आप बीमार रहते हो मम्मी मत आना,
बस अब देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम बनेगा। शॉपिंग वॉक हमारी पूरी हो गई, जो हमारे अपने कपड़े हैं कौशिक जी के, मेरे दीपा के, हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है। पूरी मतलब प्लानिंग हमारी बंद हो चुकी है, जैसे जैसे हमें तैयार करना है सब हो चुका है हमारा। बस अब ये है कि हमें कब निकलना है, निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे अभी कुछ नहीं पता है। 2 साल में घर जाने वाले थे और वो देख लो एकदम आ गई है, क्या करेंगे बताओ। कौशिक जी तो कह रहे जाऊंगा, जाते हैं एक बार होके आते हैं। अरे 2 साल से बैठे हो, एक बार होके आते, जब एक बार हुआ थे बीच में, अभी जरूरी है क्या? अब के बता रहे हो और खतरनाक वाला आ गया है, इसलिए और डर लग रहा है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो डर लगता है भैया। वैसे 4-7 दिन में कदम मर जाऊंगी, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। लेकिन जहां मरने का टाइम आता है ना, मरने का सोचो आएगा, तो मैं नहीं मरना चाहूंगी, मुझे डर लगता है, मुझे आग से जलने से डर लगता है, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। और जैसे मैं कभी किसी को देख लूंगी, किसी कोई मर आदमी देख ली, वो पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, पता है। जबकि ये एक वो चीज नेचुरल चीजें हैं सारी, ये जिंदगी में मरना जन्म होना ये सब वो चक्रवाही चल रहा है, लेकिन फिर भी आदमी को मुझे वो डर लगता है। जबकि हमें पता है एक दिन हमें मरना है, सब पता है, लेकिन फिर भी डर लगता है। पता नहीं क्यों मैं इस चीज को नहीं भुला पाती हूँ। एक बार कोई अगर एक बार मतलब कुछ भी देख लूंगी मैं, टीवी में भी अगर जैसे टीवी में जैसे दिखा रहे हैं कोई सीरियल चल रहा है, उसमें कुछ दिखा रहे हैं और वो जो राम जी का नाम लेके बोलते जाते हैं, जो अगर वो जो जोर से बोलते जा रहे हैं, तो वो भी मैं ना म्यूट कर देती हूँ आवाज को। मुझे वो आवाज भी ना, चाहे मेरे भगवान जी राम जी का नाम है, लेकिन वो नाम मुझे घर में थोड़ा सा वो लगता है, तो उसे भी मैं वो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे एकदम बंद कर दूंगी उस आवाज को भी। अब देखते हैं भाई, बताते हैं। जाऊंगी घर तो आपको अपने घर का पूरा दिखाऊंगी। अभी मैं कई चीज बना के आई हूँ, मिर्च आम भी छोक के आई हूँ। आप कहोगे आंटी आम भी आ गई है, यहाँ पे आम भी आ गई है, मिर्च आम भी छोक के आई हूँ। और लौंजी जानते हो, मीठी गुड़ के साथ गुड़ या चीनी डाल के छोकते हैं, मेथी में हींग मेथी और सौंफ में छोकते हैं, जो मीठी लौंजी बनाई है और मिर्च आम भी छोकी है और उड़द की दाल बना के आटा गूंद के मैं भी आई हूँ। लेकिन वो ये है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती वो चीजें है, क्योंकि मेरा कैमरा वहां पर नहीं सेट हो पाता है, उसका कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मैंने शूट करी थी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको पालक की रेसिपी बना के दिखाऊंगी, मैंने बनाई है, मैंने सर्व भी करके दिखा दी है, लेकिन बीच में से कहां से गायब हो गई है वो मुझे पता नहीं लगा। जब कौशिक जी उसका एडिट करने लगे हैं तो मैं कौशिक इनसे कह रही थी, मैंने आपने ना मैंने वो डिलीट कर दी, तो बोल रहे थी नहीं डिलीट कहां से करता, वो पता ना कहां से बीच में से जहां से मतलब साग धो के चढ़ा बना के दिखा दिया है, क्या क्या चीज डाली सब दिखा दिया है, और जो तड़का भी दिखा दिया है कि टमाटर मैंने इसमें टमाटर सब कुछ दिखाया था मैंने है, और लास्ट में जो तड़का वाला जो था तड़का डालने वाली जो वीडियो थी, तड़का किस तरह से बनाया, कैसे कैसे बनाया मैंने, और मैंने आलन किस तरह से लगाया, किस चीज का आलन लगाया, कितना आलन लगाया मैंने, उसमें आलन लगता है ना साग में, आलन लगता है, बिना आलन के ना तो वो फिर अलग अलग रहेगा, इसमें बाइंडिंग के लिए इसमें वो डाला जाता है आलन। आलन चाहे आप मटके का लगा लो, चाहे आप ये इसका लगा लो, इस मक्के का लगा लो, चाहे बेसन का लगा लो, बहुत से लोग गेहूं के आटे का भी आलन लगा देते हैं, मतलब हमें तो बाइंडिंग से मतलब है ना, लेकिन मक्के का और इसका बहुत अच्छा लगता है, मक्के का और बेसन का बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग ना चना का साग बनाते चना के साग में वो डालते हैं बाजरा, कूटा हुआ बाजरा, बारीक आटा नहीं, कूटा हुआ बाजरा, अब बना के देखना। पर ये मैं यही कह रही थी, मैंने वीडियो में बता भी दिया था कि मैं साग दिखाऊंगी आज पालक का मैं किस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आधी वीडियो है, आधी गायब हो गई, बताओ मैं आधी का क्या दिखाऊंगी, आपको समझ भी नहीं आएगी वो। फिर मैंने छोड़ दिया, सर्व कर दिया था, सर्व करने की है, सर्व करने वाली वीडियो है जो सर्व करके दिखाया मैंने, वो है, लेकिन बीच की जो जहां पर तड़का वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया, पता नहीं कहां गई। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो कुछ ज्यादा बढ़ाऊं, आगे दिखाऊं आप लोगों को भाई। मैं तो सारे दिन काम करती हूँ, कभी ये कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ, मतलब करते करते मैं इतनी थक जाती हूँ, तो क्या मैं वो शूट नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ ना मैं। यहाँ पे मेरी कैमरे की मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? मेरी वीडियो देखते रहना आप, है मैं ऐसे डाल रही हूँ वैसे। अब देखो अब ये इसमें से कैमरे में से कुछ निकला नहीं है और ये भरे ही जा रहा है, तो ये बंद होगी ना, ये बार 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 ऑफ हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को ना थोड़ी वो लगती है बेचैनी सी से करने में। और देखो थोड़ी देर पंखा बंद करा तो मुझे कितना पसीना आ रहा है, और एसी चल रहा है जबकि,
चलिए मिलते हैं हम सुबह चाय के साथ।